वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट, गिनाई सरकार की 7 बजट प्राथमिकताएं, खेती किसानी एमएसएमई समेत इन सेक्टर्स पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट की 7 प्राथमिकताएं बताई है। वित्त मंत्री ने इन्हें सप्तऋषि कहा है। इनमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र शामिल है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा बहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में कई अन्य सेक्टर को भी बड़ी सौगातें दी गई है। बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की है। इससे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली को फायदा होने का अनुमान है। नए टैक्स स्लैब से सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. वहीं बात अगर रेलवे सेक्टर की करें तो वित्त मंत्री ने रेलवे को बड़ी सौगात देते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। रेलवे को मिला ये अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2013-14 के मुकाबले ये 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है जिस पर आगे काम किया जाएगा। बजट में एमएसएमई सेक्टर को भी राहत दी गई है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कपास खेती के लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जाएगा। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का ध्यान रोजगार पैदा करने पर होगा।